Today I'm going to talk about vegetable bag, a big revolution to control pollution. You may also say a green revolution to control pollution. Both have similar meaning. There is nothing difference at all. So before so much delaying, I proceed further. It is a very simple organic bag, which is very much pollution free, and it completely replace our plastic bag. मतलब अगर सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए, जो हम अभी तक प्लास्टिक बैग यूज करते आए हैं, पॉलिथीन बैग यूज करते आए हैं, वो उससे बिल्कुल हटके ही है कंसेप्ट. मतलब एक अभी रिसेंटली अभी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये पाया गया था, जो हम प्लास्टिक बैग यूज करते हैं, पॉलिथीन बैग यूज करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, वो हर साल 5.6 बिलियन वेस्ट प्रोडक्ट पैदा करता है, जो कि एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है. निश्चित तौर पे ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है कि हम इस तरह के मॉडल को इस टाइम पे लेके आए हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में सिनेरियो में अगर देखा जाए तो जितनी भी वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा बात करती है पोल्यूशन कंट्रोलिंग पे, डिफरेंट वेदर कंडीशन पे. तो अगर देखा जाए तो ये स्टेप अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप हो सकता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में. सो एक छोटे से एंटरप्रेन्योर थे जिनका नाम था अवध हेज. बेसिकली ये मैंगलोर के रहने वाले हैं. इन्होंने और इनकी टीम ने तकरीबन 4 साल तक रिसर्च किया, उस पर काफ़ी काम किया और एक ऐसा बैग तैयार किया जो न केवल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, बल्कि एनवायरनमेंट में रहकर भी, है ना, ये कोई पॉल्यूशन क्रिएट ना करे. मतलब अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर मान लीजिए अगर आप ये बैग यूज़ करते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं, यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो अगर इस बैग को यूज करने के बाद कहीं आप थ्रो कर देते हैं या कहीं फेंक देते हैं तो उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, या कोई ऐसा कोई एनिमल्स है या कोई गाय या भैंस इसे कोई अगर वो खा लेता है तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो बैग है बिल्कुल नए तरीके से डेवलप किया गया है. खासकर अभी रिपोर्ट आई थी कि जो बहुत सारे जो गरीब हमारे जो गरीब किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर लोन ज़्यादा है, उनके पास सही पैसा नहीं है जिससे कि वो फसल को उपजा सके. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने और उनकी टीम ने क्या किया, जितने भी गरीब किसान थे कर्नाटका स्टेट में, उनसे क्या किया, इन्होंने वेजिटेबल वेस्ट खरीदा बहुत ही अच्छे दामों पर, और इन वेजिटेबल वेस्ट को यूज करके एक ऐसा ग्रीन बैग तैयार किया कि जो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है. मतलब ये वेजिटेबल ऑयल और इसके डेरिवेटिव से मिलके एक बना एक कंप्लीट नमूना है, अगर सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो. डेफिनेटली इट विल एक्ट एज अ बून फॉर अपकमिंग ईयर्स. अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब वर्ल्ड में ऐसी दो कंट्रीज है जहाँ पे ये यूज हो रहा है, पहला है आपका इंडोनेशिया एंड सेकेंड इज इंडिया, और कहीं ना कहीं इंडिया इस फील्ड में एक बहुत बड़ा व्यापारी साबित हो सकता है आने वाले वर्षों में, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है. आप सोच रहे हैं ये सिर्फ एक छोटा सा बैग ही तो है, और क्या है, ये सिर्फ बैग नहीं है, ये एक ऐसा कह सकते हैं अपने आप में एक वरदान है, एक ऐसा एक संजीवनी बूटी है जो न केवल पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करेगा बल्कि इन्वायरमेंट में होने वाले जितनी भी तरह की जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको ये कंप्लीटली कम कर देगा. मतलब अगर कोई भी जानवर, गाय हो या भैंस हो, अगर इसे खाता है, ठीक है ना, तो इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, या आप इसे खाते हो तो कंप्लीटली कोई इफेक्ट ही नहीं होगा. मतलब कहा जाए तो अपने आप में एक बहुत ही एक मैं जितना ही बोलूं इसके बारे में बहुत ही कम होगा
हाँ आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस। इसमें किसी भी तरह की प्लास्टिक की प्रेजेंट नहीं है, ना कोई प्लास्टिक है, ना कोई ऐसा कोई मटेरियल्स है जो केमिकल्स है जिससे कि इसको यूज करने पर पॉल्यूशन क्रिएट हो। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा एक मेजर चैलेंज था उनके सामने, उनकी टीम के सामने। बट एनी हाउ उन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया और एक नई क्रांति लाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर मैं कहूं तो सीधे शब्दों में। और लेकिन इसकी एक छोटी सी एक जो कमी है जो थोड़ी आपको निराश कर सकती है, बट डोंट वरी, यू कैन नॉट यूज दिस बैग फॉर स्टोरिंग लिक्विड मटेरियल्स। मतलब अगर आप पॉलिथीन बैग यूज करते हो उसमें लिक्विड चीजें भी आप डाल सकते हो ले जाने के लिए, स्टोर करने के लिए, बट इसमें आप यूज नहीं कर सकते हो। इसमें यूज करोगे तो इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। सो दैट इज अ मेजर थिंग अबाउट दिस बैग। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया इस फील्ड में एक बहुत बड़े व्यापारी साबित हो सकता है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर अगर ये बैग, अगर इंडिया अपने मतलब इंडिया के जितने भी गरीब किसान हैं, चाहे वो यूपी के हों, बिहार के हों, पंजाब के हों, अगर उनसे हम कच्चा माल खरीदें, जो वेजिटेबल वेस्ट है उनसे हम खरीद करके कुछ ऐसा बनाएं जो न केवल वरदान साबित हो बल्कि जो हमारे जो पुअर फार्मर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक राहत की सांस हो। बिकॉज इट नॉट ओनली गिव द पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट बट इट ऑल्सो क्रिएट अ ड्यूअल सिस्टम। आई यूज अ वर्ड ड्यूअल सिस्टम। वाई? बिकॉज फर्स्ट वे इट गिव्स मनी टू द पुअर फार्मर्स एंड सेकेंड वे इट रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल। दैट्स वाई आई यूज द टर्म ड्यूअल कंसेप्ट। आई होप ये इंफॉर्मेशन और ये फैक्ट्स आपको अच्छा लगा होगा और आप डेफिनेटली इस चीज से अवेयर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच।